मुजफ्फरनगर, रामपुर, संभल, बागपत, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, आंवला, खैरी, धौरारा, मोहनलालगंज, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फरुखाबाद, इटावा, कन्नौज, जालौन, फतेहपुर, कौशाम्बी, फूलपुर, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, बहराइच, कैसरगंज, समाजवादी पार्टी, श्रावस्ती। आप क्या कह रहे हैं? फैजाबाद में समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, कैसरगंज समाजवादी पार्टी, श्रावस्ती समाजवादी पार्टी, गोंडा समाजवादी पार्टी, डुमरियागंज समाजवादी पार्टी, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज समाजवादी पार्टी, चंदौली, बैठ नहीं रहा, चंदौली समाजवादी, फर्स्ट फेज है भाई, फर्स्ट फेज है, मिर्जापुर समाजवादी पार्टी, रॉबर्ट्सगंज, अगर एनडीए 300 के नीचे गिर चुकी है, फर्स्ट फेज है, एनडीए 300 के नीचे है, दो नंबर चेंज हो रहे हैं। आप यूपी को आप हल्के में नहीं ले सकते, फर्स्ट फेज को क्यों नजरअंदाज कर, फर्स्ट फेज इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ, इट इज जस्ट द फर्स्ट फेज, फर्स्ट फेज इंपॉर्टेंट। अब एसपी 37 हो गई और बीजेपी 27 हो गई है, 10 का फर्क है, 37-26 हो गया, आरएलडी 1 72 की लीड्स हैं, जैसा ऐश्वर्य बता रहे हैं, और सीट्स पर जो पहले चरण, खासकर जो पहले तीन चरण है, उन सीट्स पर एसपी आगे चल रही है, देखिए, और अभी तक गुजरात में पहला फेज ही चल रहा है, मुरादाबाद में आगे है, और गांधीनगर से अमित शाह 180,000 वोट से आगे हो गए, 296 पर एनडीए गिर चुकी है, 321 लीड से 296 पर गिर चुकी है, और इंडी 193 पर है, 103 का फर्क है, 103 का फर्क है, अभी भी 103 का फर्क है। गांधीनगर से मेरे पास एक लीड आ रही है, अमित शाह की बता रहा हूं, 190,000 से वो अभी आगे चल रहे हैं। यूपी में 37-27 का है जो आपने बताया, वो 34 थी मेरे पास, तीन वो नहीं है जो जिसमें और आगे हो गई है, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, सेकंड फेज शुरू होने वाला है और ये नंबर्स हैं, और मैं इस समय जरा प्रतीक्षित का डेटा जरा खोलना चाह रहा हूँ अभिषेक, प्रतीक्षित के डेटे के हिसाब से बीजेपी अभी 225 पे है, बीजेपी प्रतीक्षित के हिसाब से बीजेपी 225 पे है और 480 टोटल है, ये मैं सिर्फ बीजेपी बता रहा हूँ, बीजेपी प्लस नहीं बता रहा हूँ। इसी तरह से कांग्रेस कमीशन 367 दे रहा है, ईश्वर बीजेपी को 175 बीजेपी को, कांग्रेस को 72 है, 72 समाजवादी पार्टी एज यू सेड तीसरे नंबर पर बनी हुई है 36 सीटों के साथ, अभी जो इलेक्शन कमीशन का डेटा है, जो ट्रेंड्स आ रहे हैं 367 सीटों के ट्रेंड्स है, 367 लीड्स आउट ऑफ 543। रायबरेली से राहुल गांधी 15,531 वोट से आगे हैं, दिनेश प्रताप सिंह 24,819 पे, राहुल गांधी 40,350 वोट पे आगे हैं, बीजेपी 224 प्रतीक्षित के हिसाब से, 33 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे है उत्तर प्रदेश में, वो सबसे बड़ी खबर है इस वक्त, और 475 सीट करीब करीब प्रतीक्षित दिखा रही है, उसमें से 222 बीजेपी के साथ जी, और 94 कांग्रेस के साथ, यानी कि कांग्रेस 100 पार कर सकती है, तो ये जो ट्रेंड है, मगर इसको अभी जो ट्रेंड होगा इसके बाद उत्तर प्रदेश के रिजल्ट तो आगे, तो समाजवादी पर फोकस करना होगा, अगर समाजवादी पार्टी 35 मेंटेन करती है, मैं तो फिर इलेक्शन कमीशन पे वापस जा रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा था अर्नब टाइट है, अब बीजेपी 32 हो गई है, सपा 31 हो गई है, ये कैसे हो सकता है? कांग्रेस से आपके सामने है इलेक्शन कमीशन का डेटा है, ये देखिए दिलचस्प ये है, अभी जो एसपी आगे चल रही है उसमें फैजाबाद में आगे चल रही है, लेकिन अभी आप देखिए, बार बार अन्न इसीलिए कह रहा हूं, जब आप कह रहे थे फर्स्ट फेज, क्योंकि यूपी है, एक-एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में लाखों वोट है, अभी फर्स्ट फेज चल रहा है, बीजेपी 32 है, समाजवादी पार्टी 31 है, बीजेपी अभी 226 पर है, बीजेपी 226 पर है इस वक्त, और समाजवादी पार्टी 33 पर है जी जी जी, और अभी जैसे मैं आपको बता रहा था, मैं आप वो प्रतीक्षित का डेटा दे रहे हैं, मैं देख रहा हूँ ऐश्वर्या, फिर से मामला चेंज हो रहा है, मेरठ में अरुण गोविल अब आगे हो गए हैं, चल रहा है टाइट है, बागपत में अमरपाल समाजवादी पार्टी के आगे हैं, लेकिन वहीं पे सुल्तानपुर में मेनका गांधी पिछड़ गई हैं, मंडी में कंगना रनौत पिछड़ गई हैं, डिंपल यादव आगे हो गई हैं 16,000 वोटों से, तो जब 15-20,000 का डिफरेंस हो जाता है तो मैं मानता हूँ कि कंसोलिडेटेड, लखनऊ में राजनाथ सिंह आगे हो गए, राजनाथ सिंह जीत सकते हैं, वो उनको पूरा है, वो जीत सकते हैं, कॉन्फिडेंट है, जीतेंगे कॉन्फिडेंट है, लेकिन अमेठी में मैं कोई भविष्यवाणी नहीं, नंबर बता रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा था फर्स्ट फेज, अभी देखिए इलेक्शन कमीशन 33 बीजेपी कर दिया है, 31 समाजवादी पार्टी कर दिया है, देखते हैं अजवरा अमेठी में किशोरी लाल सर, वो आपके पास 3,018 वोट से आगे, अभी काउंटिंग इनको करने दी, काउंटिंग अभी आपके पास क्या है, मेरे पास वो सर्टिफाइड डेटा नहीं है सर्टिफाइड डेटा प्लीज, थैंक यू, सर्टिफाइड डेटा 20 मिनट कंट्रोल त्रिपाठी जी, कंट्रोल
पूरा राजनाथ सिंह 4562 वोटों से आगे चल आगे हो गए। बिल्कुल देखिए आगे हो गए, और जो फेजेस भी आप देख रहे थे आप वो देखते रहिए उत्तर प्रदेश का। अभिषेक जो आप मैप की बात कर रहे थे ना, अब आप उस मैप को देखिए, वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अब आप उस मैप को देखिए क्योंकि वो डायनामिकली जैसे ही दूसरा फेज शुरू होगा, अब 9:40 हो गए हैं, 10 बजे दूसरा फेज शुरू हो जाएगा करीबन, तब आपको दिखेगा कि किस तरह से वो मैप चेंज हो रहा है। लेकिन एक बार फिर टोटल नंबर हम आपको बता देते हैं। एनडीए से 291, एनडीए 291 291, एनडीए 195, 96 सीटों का फर्क रह गया। अदर्स 21, अदर्स आर एट 21, एनडीए 291, एनडीए 195। So, ये वो लेटेस्ट नंबर है सुचारिता। और जो स्टेट वाइड टैली है जो हमारे सामने है, वो भी एक बार बता देते हैं, क्योंकि जो टैलीज हमारे सामने आ रही, पश्चिम बंगाल में 24 पर बीजेपी आगे चल रही है, 42 सीटों में से 40 के ट्रेंड्स हमारे पास है, 24 बीजेपी आगे है, इंडिकेट